My TRS contested MP Hyderabad. आज आज ओल्ड सिटी TRS ऑफिस पे कुछ बल्दिया के लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन बताते हुए पुलिस प्रोटेक्शन के लिए गए हुए हैं, जबकि ये बिल्डिंग इलीगल है नहीं। 92 में बनी सो बिल्डिंग आज बल्दिया को याद आ रहा, ये इलीगल है। यहाँ पे TRS का बहुत बड़ा काम हो रहा है, ये बिल्डिंग पे हज़ारों मेंबरशिप ड्राइव का काम चला है। यहाँ पे जो 55,000 मेंबरशिप यहाँ पे ये ऑफिस पे एक सिंगल काउंटर पे चला काम, सिंगल काउंटर पे 55,000 तक मेंबरशिप ड्राइव मेंबर बने हैं यहाँ पे। इसके साथ ही साथ 6 महीने से वेलफेयर स्कीम्स का यहाँ पे बहुत बड़ा काम चल रहा है, जिसमें ओल्ड एज जो बुज़ुर्गों के लिए सहारा स्कीम है, उसमें तकरीबन ओल्ड सिटी से 50,000 एप्लीकेशंस गए तीन मंडलों में, बेवा के लिए, अपाहिजों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जो आज बड़ा फ़ायदेमंद हुआ है इनके लिए, जो आज तक ओल्ड सिटी में ऐसा कोई काम हुआ नहीं था। और ना कोई गवर्नमेंट, ना कांग्रेस गवर्नमेंट, ना TDP गवर्नमेंट इतना बड़ा काम की, जो 200 रुपये से उठा के है सो एकदम 1,000 रुपये जो पेंशन किए हैं, ये KCR साहब को दिली मुबारकबाद इस बारे में। वो चीज़ को नज़र में रखते हुए जो लास्ट 15 तारीख से लेकर 27 तारीख तक जो मेंबरशिप ड्राइव जो चली है यहाँ पे, जो रात के तकरीबन 4 बजे तक ये काउंटर चालू, 24 काउंटर थे, जो रश एक हुजूम था जो TRS में ज्वाइन होने वाला है। तो ये TRS में ज्वाइन जो हो रहे हैं लोग, ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अपने दिल से है। सो ख्वाहिश करके हज़ारों बच्चे आके TRS के कल भी आए, ये सिलसिला चल रहा है ये TRS में ज्वाइन होने का। तो चंद लोगों को ये चीज़ तकलीफ दे महसूस हो रही है, वो उसको नज़र में रखते हुए, ये काम को नज़र में रखते हुए TRS ऑफिस को टारगेट बनाया जा रहा है, ताकि ये मेरी हिम्मत पस्त होना, मेरे साथ जो आज हज़ारों लोगों का जो कैडर है वो मुतासर होना, RSO इलेक्शन JHMC का उस पर काफ़ी बड़ी रुकावट होना, ये तमाम चीज़ों की कोशिश है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये मेरी बिल्डिंग इलीगल नहीं है। ये 2011 में मैं रेगुलाइज के लिए डाला हुआ हूँ बिल्डिंग। ये ड्राइंग है, सेलर से लेके फोर्थ फ्लोर तक ऑलरेडी है, सो फीस भरा सो हूँ मैं, ये आपके सामने है। कोई इलीगल काम, क्योंकि मैं खुद एक इंडस्ट्री चलाया सो हूँ, ये इलीगल काम पसंद नहीं करता, इसके लिए मेरी पार्टी भी नहीं पसंद करेंगी ये इस टाइप के काम। आज इतने एप्लीकेशंस जाने के बाद कोई एक आके मेरे को ये नहीं बता सकता कि किसी भी एक एप्लीकेशन पे, चाहे वो शादी मुबारक का काम हो या आसरा मुबारक के जो फॉर्म्स भरे गए, फॉलोअप हुआ, उनको पैसा मिले तक, एक आदमी ये नहीं बता सकता कि एक रुपया हम ये किसी हमारी टीम में किसी को दिए। यहाँ पे हर आदमी है सो एक बड़े मकसद से काम कर रहा सो है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए एक्टिविटीज़ चालू हो रहे सो है। कि मैं अपनी पार्टी से भी, खास करके KCR साहब से, DC साहब से ये गुजारिश करूँगा कि इस टाइप की एक्टिविटीज़ को फौरी है सो सीरियस नोट लें, और फौरी इस पर, चाहे वो बल्दिया हो चाहे और कोई हो इसके पीछे, फौरी एक्शन लें। ये मैं बड़ी उम्मीद के साथ, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद एक इतना बड़ा कैडर जम रहा है, ओल्ड सिटी में इतना बड़ा कैडर बनना कोई मामूली बात नहीं है, इतने ज़्यादा तादाद में मेंबर बनना कोई मामूली बात नहीं है।
50,000 एप्लीकेशंस जाना और उनको पैसा मिलना, इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद एक पार्टी का एक मुकाम एक पुराने शहर में अच्छे पैमाने पे इतना तेज़ी से ग्राफ बढ़ रहा है टीआरएस का ओल्ड सिटी में, इसके लिए मैं सीएम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिर्फ उन्हीं के कामों की वजह से, उन्हीं के सीएम साहब दिल्ली की वजह से हज़ारों लोग ये काम से जुड़ रहे हैं। तो ये काम को है सो जो हमारे पे जो बलात् जो हमारे पे जो मुसीबत आप कोशिश कर रहे हैं सामने वाले डालने के लिए, इसको फौरी साफ़ करें और जो जो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ उसको सख्ती से है सो वार्निंग दें कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो या ये ओल्ड सिटी टीआरएस ऑफिस पे, ताकि मेरे को एक हिम्मत मिले, मेरी पार्टी से भी मेरे कैडर को भी एक हिम्मत मिले कि भाई हमारे पीछे भी कोई है, हमारे पीछे माशाल्लाह रूलिंग गवर्नमेंट है, हमारी पुलिस हमारे साथ है, बल्दिया भी हमारे साथ होना चाहिए। सब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हमेशा सपोर्ट करते रहा है MIM को। आज भी मेरे बड़े भाई MIM में ही हैं, MIM को सपोर्ट करते हैं। मेरे वालिद MIM में काफ़ी MIM की काफ़ी खिदमत कर चुके हैं। सीट पे इंतकाल हुआ उनका 83 में, MLA आसिफ नगर, पहली सीट आसिफ नगर की, मेरे वालिद ने वहाँ से लड़े थे और कामयाबी अल्लाह पाक ने दिया था उनको। तो आज तक हम लोग MIM से जुड़े हुए थे। TRS 2009 में KCR साहब से मुलाकात हुई, उनके ख्यालात देखा, कुछ हर एक के लिए एक पैकेज उनके पास, हर एक की हर कौम के लिए कुछ करना चाहते थे। जब इलेक्शन से पहले जब मेरे को बुलाए हैं वहाँ पे, वही सेम जो 2009 में बात थी वही हिसाब से देखा मैं उनको। इलेक्शन TRS गवर्नमेंट ये बताया मेरे को TRS गवर्नमेंट आने वाली है और आने के बाद इंशाल्लाह जो मैं वादे करा, जो मैनिफेस्टो में हैं, वो इंशाल्लाह मैं बराबर पूरे करूँगा। इलेक्शन जीतने के बाद, पार्टी आने के बाद, बराबर जो चीज़ जो पहले जो वादे थे, बराबर एक के बाद एक, एक के बाद एक जो